रुचिरा भाग तीन। रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम् पृष्ठ संख्या एक सौ दो पंच दशह पाठः प्राहेलिकाहः पहेलिया मनोरंजन की प्राचीन विधा है ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका अर्थात पहली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं ये का है पहली का कस्तूरी जायते कस्मात कस्मात्नामकुलंकुरिया कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते दूसरी प्रहेलि सीमतीनीषु का गुणोत्तमः विद्भि का सदा वंद्या अत्रोक्त न कम कंसघान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा के दारपोषणरता कंबल न बाधते शीतम चौथी प्रहेलिका वृक्षाग्रवासी न पक्षिराज त्रिनेत्री न चूलपाणी त्वग वस्त्रधारी धारी न योगी जलम च बिभ्रन न घटो पांचवी प्रहेलिका भोजनांते च किं पेयम् जयंतः कस्य वै सुतः विष्णुपदं प्रोक्तम् तक्रम शक्रस्य दुर्लभम प्रहेलिका उत्तरान्वेषणाय संकेता दीयते तदनु प्रथमा प्रहेलिका अस्याह अंतिमे चरणे क्रमशः त्रयाणाम् प्रश्नानाम् त्रिभिः पदैः उत्तरम् दत्तम् द्वितिया प्रहेलि प्रथम द्वितीय तृतीय प्रथमस्य प्रथम अंतिम वर्णेन वर्णन संयोगाप्य तृतीया प्रहेलिका प्रत्येक चरणे प्रथम द्वितय प्रथम वर्णना संयोगा तस् प्रस्तुत प्रश्न से उत्तर प्राप्य से चतुर्थ प्रहेलिया उत्तर नारिककेल पंचम प्रहेली का उत्तरम् प्रथम प्रहेली का वत् एक सौ तीन शब्दार्थ हा मारता या मारती है कातर कमजोर सीमन नारियों में को भूत कह जमा अभूत कौन हुआ संजघान मारा कंसम जघान कंसम जमा जघान कंस को मारा शीतलवाहिनी ठंडी धारा वाली तलवाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली दार पोषण रता पत्नी के पोषण में संलग्न केदार पोषण रता खेत के कार्य में संलग्न कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है वृक्षाग्रवासी वृक्ष जमा अग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला पक्षी राजा है पक्षियों का राजा अर्थात गरुड त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव शूल पाणी है जिनके हाथ में त्रिशूल है अर्थात शंकर त्वचा या छाल भ्रन धारण करता हुआ विष्णुपदम स्वर्ग या मोक्ष तक्रम छाछ या मठा शक्रस्य इंद्र का पृष्ठ संख्या 104 अभ्यास अभ्यास संख्या एक श्लोकांशेषु रिक्तस्था पूरयत क सीमतिनीषु

न बाधते शीतम घ वृक्षाग्रवासी न च रिक्तस्थान रिक्तस्थान न अभ्यास संख्या दो श्लोकांशान योजयत यहाँ दो स्तंभ में एक ही पद्य के दो दो भाग दिए गए हैं उनका क्रम टूटा हुआ है इसलिए दोनों स्तंभों के वाक्यों को जोड़ करके एक उचित क्रम बनाना है मैं पहले स्तंभ क पढ़ता हूँ फिर उसके बाद स्तंभ ख स्तंभ क किंग कुर्यात कातरो युद्धे विद्वद्भि का सदा वंद्या कम संजघान कृष्ण कथम विष्णु पदम प्रोक्तम स्तंभ ख अवक्त न बु्यते तक्रम शक्र दुर्लभम मृगा पलायत पृष्ठ संख्या एक सौ पांच अभ्यास संख्या तीन उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथना समक्षम न लिखता। जैसे सिंह हन्ति इसके समक्ष एक कोष्ठक है जिसमें लिखा गया है आम अर्थात यह वाक्य सही है इसी प्रकार आगे के वाक्यों में सही और गलत की दृष्टि से आपको आम या न कोष्ठक में लिखना है कातरो युद्धे ख कस्तूरी मृगात जायते ग मृगात् सिंहः पलायते घ कंसः जघान कृष्णम् न तक्रम् शक्रस्य दुर्लभम् च जयन्तः कृष्णस्य पुत्रः अभ्यास संख्या चार अधोलिखिता नाम पदा लिंगम विभक्तिम वचन च लिखत जैसे पद है करी नाम, तो उसका लिंग है पुल्लिंग विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन इसी प्रकार आगे के शब्दों में लिंग विभक्ति और वचन का निर्देश आपको करना है ये शब्द हैं कस्तूरी ख युद्धे घ ग, ग, बलवंतम ना शूल पाणी अभ्यास संख्या पांच कोंतर्गता पदा उपयुक्त विभक्ति प्रयोगणेद पूरयत यहाँ लगभग चार या पांच वाक्यों का एक अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद के इन वाक्यों में कई कई स्थलों पर रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है और उस रिक्त स्थान के बाद कोष्ठक में शब्द का प्रयोग किया गया है जिन शब्दों में विभक्ति निर्देश नहीं है रिक्तस्थान में कोष्ठक के शब्दों में उपयुक्त विभक्ति प्रयोग के द्वारा उन वाक्यों को पूरा करते हुए एक सार्थक अनुच्छेद का निर्माण करना है। अनुच्छेद के वाक्य इस प्रकार हैं: एकः काकः रिक्तस्थानम् कोष्ठके आकाशम् दयमानः आसीत् त्रिशारतः सः रिक्तस्थानम् कोष्ठके जल अन्वेशनम् करोति तदा सः रिक्तस्थानं तदासह रिक्तस्थानं कोष्ठके घट अल्पं रिक्तस्थानं कोष्ठके जल पश्यति सह रिक्तस्थानं कोष्ठके उपल आनीय रिक्तस्थानं कोष्ठके घट पातयति, जलम, रिक्तस्थानम्, कोष्ठके, घाट, उपरी आगच्छति, रिक्तस्थानम्, कोष्ठके, काक, सानंदम्, जलम्, पीतवा, त्रिप्यति। पृष्ठ संख्या एक सौ छे। योग्यता विस्तारः प्रस्तुत पाठ में दी गई पहेलियों के अतिरिक्त कुछ अन्य पहेलियां आगे दी गई हैं उन्हें स्वयं समझने की कोशिश करें और ज्ञानवर्धन करें यदि न समझ पाए तो उत्तर देखें या सुने का चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु हूं महान बलिष्ठो न च भीमसेन स्वच्छंदगामी न च नारदोपि सीता वियोगी न च रामचंद्र न तस्यादिर न तस्यांतः मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति तवाप्यस्ती यदि जानासि तद्वद, ग अपदो दूरगामी साक्षरो न अमुख स्फुटवक्ता चोना स पंडित क का उत्तर है वृषभ ख का उत्तर है नयनम और गा उत्तर है पत्रम. रुचिरा भाग तीन अभी आप सुन रहे थे आठवीं कक्षा के लिए संस्कृत की ध्वनि पाठ्य पुस्तक प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन सीईआर टी